लीलावती के लाली बहुत बहुत शादी के कई दिन बाद तक जब कोई फोन नहीं पहुंचा राजी खुशी का तो बेटी शिकायत करने लगी पिता से। आइए सुनिए एक बेटी की शिकायत पिता से। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी छिपाना ना बाबूजी। देखिए अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर माफी मांग सकता हूं आपसे कि आप बातें ना करें। आप ये देखिए मेरी हालत देखिए। आप ये ना सोचे कि मेरा ये काम है तो मेरी मजबूरी है। अगर मैं चाहूं तो बाबा ने इतना कुछ कर रखा है कि अगर मैं इस काम को ना भी करूं तब भी मैं दो रोटी सूखी खा सकता हूं। काम तो है ही है लेकिन काम के साथ मेरा भाव भी है। जितनी ईमानदारी के साथ मैं अपने काम को कर रहा हूं मैं आपसे भी ये उम्मीद रखता हूं कि उतनी ईमानदारी के साथ आप भी अपने काम को करिए। बातों को बंद करके एक एक शब्द सुनिए। अगर आपने केवल भजन को सुन लिया मेरा लगभग एक घंटा गाना सार्थक हो जाएगा। आइए सुनिए। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी छिपाना ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी छिपाना ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। हो क्या याद मेरी आती नहीं क्या याद मेरी आती नहीं। जब बेटी पैदा हुई कोई खुश नहीं था लेकिन मुझे मेरी माँ ने बताया पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पैदा हुई घर में मातम सा छाया था पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। लेले के नाम प्यार जताते भी बहुत थे। लेले के नाम प्यार जताते भी बहुत थे आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूं नहीं तो मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी बुलाते हो बाबूजी बुलाते हो बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं क्या याद मेरी आती नहीं क्या याद मेरी आती नहीं। हो क्या याद हर बात मानते हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए कुछ भी तो न लाते थे बाबूजी लाते थे बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं
क्या याद मेरी आती नहीं। एक एक गरीब पिता अपनी बेटी को कैसे कैसे पालता है, एक गरीब पिता अपनी बेटी को कैसे कैसे पालता है सुनिएगा। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार हुई तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। आगे शिकायत सुने, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिपिया विदा हुई तो घर रे घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई न घर रे घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद, कर कर के याद अब तो ना रोते वो बाबूजी, कर कर के याद अब तो रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी याद आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। मैंने देखा अगर मैं अनुपात निकालूं तो 90% माता बहना ऐसी हैं जिनकी आंखों में भाव के आंसू हैं, 90% ऐसी संगत है जिनकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। यही हमारी मजदूरी है, यही हमारा मेहनताना है। बेटी की शिकायत आगे सुनिए, ये हमारी बहन की अरदास आई है बेटियों के नाम से, आगे सुनिए सवाल।